कटिहार में दिन दहाड़े गोलीबारी, नशे के दवा और सिरप बेचने के विरोध करने पर गोली मारने का है आरोप। सहायक थाना क्षेत्र के शरीफगंज के इस इलाके में पीड़ित के पिता ने बताया कि लाल खान लंबे समय से नशे की दवा का कारोबार करता है। उनका बेटा शमशाद द्वारा इसका विरोध करने पर उनके बेटे को गोली मारा गया है। गोली सीने में लगी है। फिलहाल गंभीर हालत में उनका इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सदर डीएसपी ने बताया कि लाल खान पहले से ही सहायक थाना क्षेत्र के अन्य मामलों में भी आरोपी है और इस मामले में जो भी प्रारंभिक जानकारी आया है नशे की बिक्री के रोग के कारण ही गोली चली है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। शरीफगंज में गोली कांड हुआ है और नशे के कारण, नशे बिक्री पर रोक के कारण गोली चलने की बात है। क्या बस आया? हाँ, शरीफगंज में के रहने वाले मोहम्मद सोनू के ऊपर गोली चलाई गई है। अभी हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। अभी उनकी स्थिति स्थिर है, सीने में गोली लगी हुई है। उनसे जो शुरुआती पूछताछ की गई उनके द्वारा यही बताया गया कि शरीफगंज के ही रहने वाले लाल खान, जो पहले भी कई कांडों में अभियुक्त रहे हैं और हमारे यहाँ भी वांछित है, उनके द्वारा ये गोली चलाई गई है। किन कारणों से ये गोली चलाई गई है इस पहलू पर भी हम लोग अनुसंधान करें। अभी तक गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी उठ गिरफ्तार। एक ही आदमी गोली चलाए? अभी उन्होंने एक ही नाम बताया कि मेरा बेटा का नाम शमशाद, सब सोनू सोनू बोलता। झगड़ा क्या हुआ? वो जरा दुकान खोल के बैठा था, उसको बोला के ले गया, मार दिया। पहले का भी झगड़ा नहीं हुआ था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उमर अली है। आप पिता हैं? उनका पिता। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके? तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल में। जीडी पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहां अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल है। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स क्राफ्ट्स, म्यूजिक डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन जीडी पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। जीडी पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे।